भारत की ट्रांसपोर्ट कामगार महिलाओं ने अक्टूबर 2019 से मई 2020 के बीच में घरेलू हिंसा और उसके काम पर प्रभाव इस विषय पर एक राष्ट्रीय सर्वे किया, जो सफर घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई शर्म, डर, हिचकिचाहट से शुरू हुआ, वो समय के साथ इस विषय पर किया गया सबसे बड़ा सर्वे बन गया, जिसमें 15,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। कौटुंबिक हिंसाचार का सर्वे करना बहुत ही जरूरी था और भारत में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम देखते हैं भारत में कई सारी महिलाएं आज काम के लिए घर के बाहर निकल चुकी हैं, और जब हम इनसे बातचीत करते हैं तब हमें पता चलता है कि इनमें से कई महिलाओं के साथ कौटुंबिक हिंसाचार होता है, लेकिन हिंसाचार होने के बावजूद भी ये महिलाएं बात नहीं करना चाहती है। हमारे देश की महिलाओं के अंदर एक भय सा रहता है कि अगर वो अपने घर की बात किसी फॉर्म में या किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी मंच पर अगर हम कहते हैं तो उसमें हमारी बदनामी। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हम अपने समाज में महिलाओं को विश्वास नहीं दिला पाए कि मांगने पर न्याय मिलता है। समाज अक्सर घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को ही दोष देता है, इसलिए महिला चुपचाप खुद को दोषी मानकर ये हिंसा सहती है। We knew that we would have to contextualize study tools for India. So the way we went about that was to provide the Women's Committee at ITF with a set of core questions. And so through a process of consultation, first my research center with the ITF Women's Committee, and then the Women's Committee with women unionists in India, we were able to come up with a set of questions that are really very specific to the Indian context. घरेलू हिंसा काफी संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए जरूरी था कि सही अप्रोच के साथ हम स्टडी के लिए लोगों तक पहुंचे। महिला एडवोकेट्स ने दिसंबर 2019 में ट्रेनिंग लेने के बाद अपनी टीम्स को ट्रेन किया। सर्वे की वजह से 9,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ इस विषय पर ट्रेनिंग की गई। हमने 24 जोन के विमेन लीडर्स को इकट्ठा किया और उनको ट्रेनिंग दिया और उनको समझाया कि ये सर्वे में क्या बेनिफिट्स है, ये सर्वे हम क्यों कर रहे हैं। हम उनके द्वारा, वो लीडर्स के द्वारा हर डिवीजन के महिला से हम रीच कर पाए, इस वजह से हर महिला को लगा कि ये सर्वे इम्पोर्टेंट है। विमेन एडवोकेट्स काफी सारे हम मिलके इस मुद्दे पे काम किए, बहुत खुशी से, बहुत मेहनत लगाए हम लोग इस काम पे। हम मतलब हर एक विमेन के अंदर एक रिलेशनशिप, पॉजिटिव एनर्जी, एक रिलेशनशिप बन गया था कि ये काम, ये मुद्दे पे काम करना। महिलाओं की चुप्पी इस सर्वे के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, मगर वो इकलौती चुनौती नहीं थी। बहुत सारी महिलाओं के पास स्मार्टफोन नहीं थे और कई सारी महिलाओं को ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना ये भी पता नहीं था। ये बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे। घर के काम में और ऑफिस के काम में इतनी बिजी होती हैं कि उनके साथ क्या क्या उनके ऊपर बीत रही है वो पहले बार वो समझ नहीं पाती हैं, और जो समझती हैं तो कहना नहीं चाहती हैं। ये चैलेंजेस को हमने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। जैसे कि ऑनलाइन सर्वे था तो हमने सोचा कि ऑनलाइन सर्वे तो नहीं हो सकता है, तो फिर हमने वो ऑनलाइन सर्वे की हार्ड कॉपी निकाली। हार्ड कॉपी लेके हम महिलाओं के पास गए, महिलाओं से हमने बात की और उनसे वो डाटा फिल किया। डाटा फिल करने के बाद फिर वो ऑनलाइन पे सबमिट किया। इस तरह से हमने ये काम की शुरुआत की। मैं हमेशा डोमेस्टिक वायलेंस सर्वे फॉर्म्स अपने साथ रखती थी और जहाँ जाती थी वहीं पे सर्वे कंडक्ट करने की कोशिश करती। इस दौरान हम ज्यादा से ज्यादा हर तबके की महिला कर्मचारियों से मिले और उन महिला कर्मचारियों ने पूरा सहयोग दिया। जो ऑनलाइन के बारे में कुछ जानता ही नहीं है उसको हम हैंडी फॉर्म्स भेजना रहता था। हम रेलवे में काम करते हैं, हम कुरियर का तो इस्तेमाल नहीं किए। जो ट्रेन वो स्टेट के लिए जाता था उसमें 500 फॉर्म्स का बंडल रख दिया एक ट्रेन में, मुंबई जाने वाली ट्रेन में। रात का ट्रेन था, रात में जाके रख दिया और अर्ली मॉर्निंग वो लोग हमको वापस भेज रहे हैं। वो कलेक्ट करना, डेटा एंट्री करना, काफी सारे मेहनत ने किया है हमारे विमेन्स लोगों ने। हमने निर्भया परिक्रमा का जो आयोजन किया, 22 दिसंबर को ये प्रोग्राम महाराष्ट्र में पुणे से चालू किया, फिर वहां से हर डिवीजन में हम गए। हर डिवीजन में हमारी गाड़ी थी, हम गाड़ी में बैठते थे और हम उस विभाग में जाते थे। उस विभाग में जाने के पहले ही वहां की निर्भया वहां पे पूरा अरेंजमेंट करती थी कि उनके अंदर जितने भी डेपो जाते थे उन सब महिलाओं को वो वहां पे मीटिंग के लिए इकट्ठा करती थी।
उनको सब बोलती थी कि ऐसे ऐसे निर्भया परिक्रमा के माध्यम से हमारे पास ये सब लोग आ रहे हैं, आपके बारे में, आपके समस्या के बारे में बात करेंगे, कौटुंबिक हिंसाचार पर बात होंगी, इस तरह से वहाँ पे वो पहले ही पूरा वातावरण तैयार किया जाता था। जब हम लोग वहाँ पहुँचते थे तो ऑलरेडी 400-500 महिलाएं वहाँ पे जमा हो चुकी होती थी। फिर हम उन लोगों के साथ मीटिंग लेते थे, उनसे बात करते थे, जो हार्ड कॉपीज थी क्वेश्चनर की वो भर के देते थे कि आप भर के दे दो, वो जगह से फिर हम अगली जगह जाती थी। इस तरह से 2 महीने में पूरा महाराष्ट्र इस तरह से घूम चुके। महिला लीडर लगातार बातचीत, ट्रेनिंग और वर्कशॉप करके गांव जिलों तक जाकर इस अभियान को आग की तरह फैला रहे थे। महिलाएं साथ आने लगी थीं, एक काफिला बन रहा था। मगर मार्च के अंत के दौरान अब तक की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। कोरोना वायरस दुनिया के सामने आज सबसे बड़ा संकट बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को पैनडेमिक घोषित कर दिया है। इंडिया दिस ट्यूसडे व्हिच विल बिगिन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लॉकडाउन, दैट्स 1.3 billion people. National Commission for Women has raised concerns about the increase in the number of cases of domestic violence and abuse during this lockdown period in the country in the wake of the coronavirus outbreak. ये COVID-19 के कारण 4 महीने लॉकडाउन के कारण विमेन घर के अंदर बंद रही है, उसके कारण जिस जो महिला के साथ अत्याचार नहीं हो रहा है वो भी अभी अत्याचार सह रही है। लेकिन जाने अनजाने में हमें लगता है कि हमें काम पहले ही शुरू कर चुके थे। कई एनजीओ के साथ हमारा नेटवर्क बिल्टअप हुआ था, इसीलिए COVID-19 में जब कौटुंबिक हिंसाचार की घटनाएं घटने लगी और हमें महिलाओं के कॉल आने लगे, फोन करने लगे, तो हम उनको काफी मदद कर पाए क्योंकि हमारा नेटवर्क बहुत ही स्ट्रांग था। काफी महिलाओं के मेरे पास फोन पर फोन आने लगे और सारी महिलाएं मुझसे मदद मांगने लगी। यह सब इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि सर्वे में सबसे मेरी पहचान बन चुकी थी। ये जो डोमेस्टिक वायलेंस सर्वे है, सभी महिला को लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। काफी सारे महिला को समझ में आ रहा है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो प्राइवेट इशू नहीं है, वो उनकी गलती नहीं है, ना ही वो डिजर्व करती है। Of women who made this study happen in India. We've done similar studies in Australia, New Zealand, North America, Europe, and Asia. But this is by far the largest study with over 15,000 respondents. What India lacked in material resources, women more than made up for that with their commitment and their heart. आज भी कई सारी महिलाएं कौटुंबिक हिंसाचार से पीड़ित है, उनको इससे हमको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर देने का है, माइंड सेटअप चेंज करने का है, कानून बदलने के लिए हमको कोशिश करने की है। बहुत सारे चैलेंजेस है लेकिन इसके लिए हमको मिलकर लड़ना है और मुझे लगता है कि हम सब एक जगह पे आएंगे और हम अच्छी तरह से काम करेंगे तो निश्चित एक दिन हमारा होगा, ये मेरे विश्वास के साथ है।